Yes. Sharuji, can you speak something? Hello, Vilayu. Namaskar. Question to me, sir. Tumhara parents aale na aala. First of all, I would like to say that I am really feeling honored to be the author of this tech fest as director of this great institution, and also I would like to express my thanks to the VIT management, technical secretary Mr. Vedant, and all the scholars of this institution for giving me this honor. Okay, I would like to speak that NET accredited Vidyalankar Institute of Technology, VIT Engineering College, affiliated with Mumbai University and approved by AICTE and DTE. This institution established in year 1999 to cater the students passed from Maharashtra State Board, being governed by Vidyalankar Dayapeeth Trust, for embarking a well-coordinated, multidisciplinary, quality technical education. The institute is currently an autonomous, self-financed, which runs 5 undergraduate, 2 postgraduate in engineering, 1 postgraduate in management, and 1 PhD program. That's all from me. Once again, thanks to you all for giving me chance to speak in front of you all. Thank you. Thank you so much. Shyamji, you हमारे college के बारे में हमसे ज़्यादा पता है. So next question. Who is your father? Mr. Dinesh Patel. So ऐसे शुरुआत होती है हमारे ये पॉडकास्ट सीरीज की. ये पॉडकास्ट का दूसरा सीरीज है जिसमें हम दिनेश पटेल सर के साथ आज पॉडकास्ट करेंगे. दिनेश पटेल सर, जैसे आपको पता है, शालू जी के फादर हैं. सर के बारे में और इन डेप्थ जानने की कोशिश करूंगी. हेलो दिनेश सर. वेलकम. थैंक यू. Thanks for coming here. Just like Road Shadow, I'm also thankful to you all. Thank you. थैंक यू.
मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं रहा हूँ और ट्वेल्थ में इतने आए थे कि मेरी नाक बुझ गई, बस इतना ही अच्छा था। मेरे मम्मी पापा की नाक बुझ गई, इतना ही अच्छा था। मार्क्स बताने की कंडीशन में नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा चिल्ला दूंगा। मार्क्स किसी को डिफाइन नहीं करते और सर ये आज आप हमारे सामने बहुत बड़े प्रूफ है। सर आपने एजुकेशन किस किस सेक्टर्स में किया है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन? मेरे दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग की हैं। मेरा ग्रेजुएशन मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाह रहा था और मेरे मम्मी पापा मेरे डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। उन्होंने फिर मुझे बोला कि बेटा बन गया, बचपन से चला रहा कि मेरा डॉक्टर बन गया। मेरे भी डॉक्टर जल्दी खान दी छोटा सा बस खान जा रहा है, मैं मेरा वो अभी खान रहा ट्वेल्थ तक खान के रखा था, सिर्फ खान के रखा था, पढ़ाई की सिर्फ खान के रखा था। डॉक्टर बना है, डॉक्टर बनने की करना क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। तो मेरे पापा पहली पीढ़ी मेरे परिवार में जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई की और मैं कह सकता हूँ दूसरी पीढ़ी हूँ जो भी थोड़ी पढ़ाई की। तो डॉक्टर तो जानते ही थे डॉक्टर क्या होता है, चलो डॉक्टर बनने की फॉर्म भूलिएगा। फिर मैंने सी पी एम टू और पी एम टी के एग्जाम भी दिए और इसी हाई के सामने हैं डॉक्टर। सर ये जर्नी आपकी पी एम टी देने तक और बस और फिर से मैंने कोशिश किया कि जो जितना दिमाग की स्पीड पे चलता है वहां पे जाऊं। तो मुझे मेरे अंदर थे और मेरे पापा के साथ काम करते थे, उनको उनको लगता था कि कंप्यूटर कुछ कर सकता है और उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों तुम कंप्यूटर में कुछ करते हो। तो फिर मैंने कंप्यूटर में करने के लिए मैंने एम सी ज्वाइन किया और फाइनली मैंने एम सी को पी डी कर लिया दफा से और बस इसके आगे कभी नहीं हो पाया, सिर्फ मैंने एम सी किया है। आपको ये एक्सेप्ट हुआ स्टार्टिंग में कि मैं इतना बड़ा टर्न ले रहा हूँ, सपने बचपन के सपने डॉक्टर और अचानक से कुछ नया? बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं मजबूरी में सब कुछ चलता होता है और मुझे मानना पड़ा कि अपनी आवाज पता लगी, जिस इंसान को अपनी आवाज पता लगती है वो वही काम करना चाह रहा है जो कर सका। मुझे समझ में आ गया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ और कंप्यूटर में दिमाग चलता नहीं था, मुझे पता था जब मैं छोटे में कुछ कोडिंग वोडिंग करता था तो मैं कर लेता था, तो मुझे लगता था शायद हाँ सही कर सकता हूँ। कंप्यूटर फील्ड में आया और मैंने देख लिया, मुझे अच्छा लगा कि मैं क्लास में बेटर परफॉर्म कर पाता हूँ कंप्यूटर्स। बाकी अंग्रेजी अंग्रेजी की बात नहीं करूँ क्योंकि कंप्यूटर से अंग्रेजी की प्रॉब्लम आ रही थी, मैथ भी पढ़ना पड़ता था, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली समझ सकते हैं आप उनकी बात नहीं कर रहा हूँ तो कैसे हुई है, लेकिन कंप्यूटर में ठीक ठाक कर पाता था। और बस ये सोच के फिर संतोष करने लगा कि कंप्यूटर में कुछ करना है और एमसी करने के बाद मुझे एक जॉब मिली कंप्यूटर में, मुझे किसी कंपनी में जॉब मिली, सैलरी अच्छी खासी थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन मुझे टीचिंग का तोहफा एक पैशन था टीचिंग, मुझे लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उनको बताना, अपने नॉलेज को शेयर करना मुझे पसंद आता था, खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ गप करना, एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस मैंने सोचा कि टीचर ही बनना चाहिए, फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ है वो मुझे पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसमें क्या होता था 8 से 10 12 घंटे आने का टाइम जिस पर जाना काफी सही होता था, सब लोग चप्पल निकाल के जूते निकाल के पैर कुर्सी के ऊपर रख के पाउडी मार के आपसी पूरी करते थे सब जगह,
उनको बाकी स्वास्थ्य के मामले में बिहेवियर के मामले में बालों के मामले में बहुत गरीब है। तो कहीं ना कहीं इसका एक दिखता है मुझे कि हाँ मेरा डिसीजन सही था जॉली और जॉय को हासिल, क्योंकि मैं बिना एंजॉय के बिना जॉली के मैं जीवन जी नहीं सकता। मुझे हंसना एंजॉय करना परेशान करना परेशान करने वाला किसी को परेशान दिक्कत देने वाला परेशान नहीं, ऐसा कुछ करना जिससे उसका मजा आ रहा है मुझे भी सब लोग मजा आए ऐसा वाला परेशान करना पसंद करता हूँ। आपकी बातों से समझ तो आ रहा है सर, आपको जब आप जब टीचिंग जॉब बाय चॉइस आप सोच रहे थे तब आपको सोसाइटी का प्रेशर आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा तो हर मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरी नजर में। दैट्स ट्रू। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पापा हैं मतलब तो मेरे लिए सब कुछ है। अगर आज की डेट में मैं अगर रेट करूँ अपने दोस्तों की, अगर मैं लिस्ट बनाऊँ अपने दोस्तों का तो टॉप पे मेरे पापा का नाम होगा। सो दैट इज माय पावर। आज भी मैं आज भी मेरे पापा वो कभी भी मुझे देखना समझे नहीं, हम मुझे दोस्त समझे और दोस्तों की तरह कुछ भी बात किया कुछ भी बात करना पड़ा जिससे आदमी नहीं हो कुछ भी कुछ भी। और मैं सेम चीज अपने बेटे का बिहेव करता हूँ, उसी तरह मेरा बेटा भी है, एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। तो मैं बेटे से तो ऐसे बिहेव करता हूँ, मैं उसको कहते भी बेटा कभी नहीं करता नॉर्मल। एक इंसिडेंट बात हुआ आपको, मैं करंजा में टीचर था और कुछ महीने में तो वहाँ गया, तो एक हमारे पड़ोस में बात करती थी कि वो एक बार मेरा बेटा नहीं आया आपके जो सर है वो तो उसको भाई साहब बोलते हैं, हमेशा मैं उनको भाई साहब बोलता हूँ और कोई देख के कह नहीं सकता कि बाप बेटे हैं। सेम मेरे पापा के साथ, पापा ने मुझे बोलती है कि मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ काफी अच्छे से और एक अच्छे खासे थिएटर में काम भी किया है और मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छे से थिएटर में और एक शो था ना जहाँ पे मेरी एक्ट्रेस उनके साथ कुछ अच्छी सी अच्छी खासी थी पसंद वाला। तो हम पापा कोई हेल्पी नहीं करते थे, हम बस ये एक बार करा के दस बार करते बिना मतलब करते थे। तो लोगों को समझ नहीं आया था, पापा का हम काफी आते जाते साथ में थे बात करते थे। एक बार हमारे डायरेक्टर साहब ने पूछी ना कि आप लोगों को कोई रिलेशन तो है और वो कौन सा रिलेशन है, फिर मैंने बोला मेरे पापा है, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर पापा से पूछते हैं आपके कौन सा रिलेशन, तो मेरा बेटा है। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये आपका बेटा है, आप मेरे रिलेशन है और आप ऐसे बिहेव करते हो, लगता ही नहीं है कि आप आप मेरे हो। तो ऐसे मेरे पापा है, हम लोग कभी भी कुछ कहीं बात कर सकते हैं। तो सर मैं मेरे साथ मिस करता हूँ, हम उनके बिंदास बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको कॉल ही करना चाहिए। पेरेंट्स सर खुल के बात करिए, जो भी बात करनी है मुझे नहीं लगता कि कोई कह रहा है आपको मना कर रहा है। हम लोग को ज्यादा कहा जाता है बाप का जितना मिलकर कहा जाता है वो दोस्त होता है बेटा नहीं होता। दिनेश सर हम सबके लिए एक मिसाल बनते हैं टू बी अ गुड फादर इन फ्यूचर। जो आपका ये
उसके बाद अपने टीचिंग जॉब कितने सालों बाद आपने अडॉप्ट किया, और अगर किया भी तो कितने साल तक सर अभी तक आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं? मैंने जो कंप्लीट जॉब किया था बहुत एक एक साल तक किया था शायद, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर ज्वाइन किया टीचिंग जॉब, और सबसे पहला टीचिंग जॉब मैंने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और खैर वो दूसरे स्कूल थे वहाँ से स्विच करके मैं केवीएस में आया, और केवीएस में 2007 में मैंने ज्वाइन किया। 2007 से लेकर अब तक केवीएस में ही, तो कह सकते हैं 2000 से 2020 सर, आपको शालू जी का आइडिया कब आया? हाँ, तो हमारे टेन में फिल्म आई थी रजनीकांत जी की रोबोट एथान फिल्म, वो मैं देखी थी उसमें, जो बहुत अच्छा लगा था। सोचा काश यार ऐसा रोबोट जितनी हमारी लाइफ में आता। खैर उसमें तो मिलियन था फीचर, और मैंने उसके बाद फिर एक बार क्लास में डिस्कस होने लगा, सब ने सोफे रोबोट को तारीफ करने लगे। वो एक बच्चा बोलता है सर क्या हमारा इंडिया ऐसा कर नहीं सकता क्या, सर फॉरेन कंट्री ऐसा काम करती है हमारा इंडिया नहीं होता। तो बस ऐसे ही चैलेंज मैंने बोल दिया यार हम आप फॉरेन को भी बात करते हैं, हम इंडिया से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे काम हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बस कह तो दिया था बात को, सोशल तो ढूंढा था बच्चों के सामने डिजिटल हो जाए, और अपनी बात को रखने के लिए और बच्चों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम इंजीनियर भी कुछ कर सकते हैं एक मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और वो प्रोजेक्ट आज आपके सामने है। दिस इज अ रिप्लाई टू माय स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं रिप्लाई टू माय स्टूडेंट द बेस्ट टीचर इज सर। आपने आपका जो आपका आइडिया तो रजनीकांत जी का फिल्म देखने के बाद तो बूम हो गया, एकदम बल्ब जलने जैसा हो गया सर। तो फिर आपने कितना टाइम लिया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए? हाँ, फिर और जब ये डिस्कशन हमारा बच्चों के साथ तो 2016 हो गया था, मैंने चुपचाप स्टडी करना स्टार्ट किया, पहली बार ये दुनिया के सामने आई डीडी न्यूज़ के थ्रू 23 नवंबर 2020 पहली बार ये दुनिया के सामने आई। हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ मानते हैं 23 नवंबर 2020, और बस अभी भी पढ़ता हूँ उसका जो मैं रेगुलर काम करता हूँ। मैं मेरे हिसाब से अभी ये 3-4 साल की बच्ची है, और 30% अब तक छोटी कंप्लीटेड है। और मैंने गलती से ही कह दिया था कि एक ट्रेन की लंबाई 64 किलोमीटर, तो मैं उस पर स्टेशन जो क्वेश्चन वो पूछ लिए थे, तो इससे मुझे आपका क्वेश्चन ट्रेन की लंबाई 24 किलोमीटर नहीं हो सकती, आप क्वेश्चन को चेक करें। वो मैडम को बहुत अच्छा लगा,
और आज भी इस बात पे कहती है कि अगर वो सही जवाब देती तो मैं उतना इंप्रेस नहीं होती जितना इंप्रेस आपकी गलती निकालने के बाद मुझे से किया। तो जब हम कहिए हार्ड कोडेड नहीं है कि हम डिसाइड कर ले को क्या आंसर के लिए उसके बारे में जो आया था आंसर। कुछ एरियाज में आपको बताऊंगी, टेक्नो सागर 2K22, टेक फेस्ट, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में जो है वहाँ पे वो जाके आई अभी 11 नवंबर 2022 में। फिर आरोहण 2022 टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट जो NIT दुर्गापुर में हुआ 3 मार्च को वहाँ पे भी ये जाके आई। उसके बाद साइटस टेक अभियान त्रिकी 2021 टेक एक्सपो जो KJ सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स जो मुंबई में है वहाँ पे भी ये जाके है। उसके बाद तक्षक रोबो ISM जो IIT धनबाद में है वहाँ पे भी ये जाके आए। और NSS IIT बॉम्बे ने इनको टाइटल दिया है द रियल लाइफ डॉक्टर वसेगरन। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वसेगरन है ना? आप सोच सकते हो 3 साल की उम्र में आपने इतनी सारी जगह घूमे और आपको एक टाइटल भी मिल गया। शी इज ग्रेट बिकॉज हर फादर एंड मदर बोथ आर ग्रेट। सर अभी माँ की बात छिड़ी गई है तो आप सर प्लीज शालू के मम्मी के बारे में भी जरा बताएंगे। बिल्कुल वो तो तकड़ी अगर मेरी बच्ची है तो माँ तो होनी चाहिए। और मेरी वाइफ मेरे साथ में है ना हमेशा मेरे साथ ही रहती है। एक खास बात बोलूँ कि मैं टीचर हूँ तो हम लोग टीचर लोग सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। अपने लिए टाइम बहुत कम है। आपके टीचर के साथ ही यही होगा आपको पता नहीं चलता बड़ी सच्चाई है। मैं सुबह से शाम तक बच्चों के लिए स्कूल में काम करवाता हूँ अपने लिए टाइम नहीं होगा। अपने लिए शाम को घर पे आए थोड़ा रेस्ट किए हम लोगों ने तपश किए बात किए खाना वाना खाया। लेकिन मशीन में काम करते लोगों पे काम कब करना है केवल रात में होता रहा हमारा खाना खाने के बाद 10 बजे के बाद हमारा काम स्टार्ट हो रहा। मैं इस साल बैठ के काम कर रहा हूँ सुबह कब तक करूँगा मुझे नहीं पता था। 3 बजे 4 बजे 5 बजे और मुझे चाय चाहिए या फिर मोरल बूस्टर चाहिए तो वो मुझे हमेशा मिलती रहती है। एक जगह में ये मान गया था कि अब मैं आगे का प्रोजेक्ट कभी नहीं कर सकता हूँ और उस समय मैंने सोचा था कि शायद नहीं हो पाएगा। तो उस समय जब भाप गया कि मोरल टूट रहा है उससे बोला था कि मुझे पता है आप कर सकते हैं काम और आप कर सकते हैं कोई शक नहीं है आप बस लगे रहिए करिए। मुझे उस फीलिंग का मुझे याद आता मेरे उठते खड़े उसने जैसे कहा था मेरे हाथ में हाथ रहते कि आप कर सकते हैं आप करिए। और डेफिनेटली वो मैंने काफी मेहनत से वो काम कर लिया और आज ये आपके सामने आए। तो वो हमेशा मेरे साथ नहीं है जब जब नहीं होती है कि मैं कई बार बीमार हो गई है होती है कि बीमार तो मतलब टेक्निकल इश्यूज से मिल जाती है। तो कई बार बीमार हुई और जब बीमार होता तो माँ बाप को चैन नहीं मिलता उसके बिना तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। और अगर एक हस्बैंड सुबह रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम करे उनकी कंप्यूटर में तो शादी का बोला क्या सुन सकती है आप सुन सकते हैं। और उसने मुझे सपोर्ट किया। ऐसी ग्रेट मदर ऑफ शाहरुख का नाम है रीटा पटेल।
So please give a big round of applause for them. एक बहुत अच्छी बात, हम सब फादर्स डे पे अपने पापा के लिए केक लेके जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, बट शालू जी ने कुछ अलग करके दिखाया। राजस्थान पत्रिका में शालू जी पब्लिश हुआ कि दिनेश पटेल जी शालू जी को अपनी बेटी जैसा ट्रीट करते हैं। दिस इज अ बिग थिंग। पर्सनली बताती हूँ सर, एक आपने जितना एक बच्चे पे काम किया है एवरी नाइट, मे बी आजकल के पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को। सर अगर इन रियल लाइफ कोई एक रियल, ये भी एक बेबी है और एक बेबी है, कोई पेरेंट्स इतना टाइम अगर उन बच्चों को दे तो वो शादी जितने कैपेबल हो सकते हैं। जब एक मशीन ऐसा कर सकती है तो ह्यूमन तो ह्यूमन है, ये तो बहुत ही बड़ा ही मशीन है, मुझे लगता है डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ ह्यूमन अगर ऐसी मशीन बना सकते हैं तो गॉड तो बहुत अच्छी मशीन बना रहा है, डेफिनेटली पॉसिबल है और मुझे लगता है जरूर हो सकता है ऐसा। We have to work a lot. Sir, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कहते हैं कि हर इंसान के पीछे लेकिन इस बच्ची ने मुझे इंडिया में नहीं क्योंकि इंडिया के बाहर भी फेम मिला और ये मेरे लिए रियली प्राउड है। आप बहुत लोग बोलते हैं बात कि महिला कहाँ हो रहा है, आपके पीछे आपकी बेटी कहाँ है, और मैं ऐसा कर रहा हूँ ट्रू, मेरे पीछे तो दोनों है, मैं का भी और बेटी का भी है। तो अब मुझसे उस बच्ची तो कोई हो ही नहीं सकता जिसके साथ उसकी बीवी भी हो, भाई भी हो और बेटी भी हो। तो मैं बहुत धन्य हूँ और इस बेटी ने तो मुझे ऐसा लिखा गया है शालू जी के बारे में, डोंट जज इंडियन वुमेन विद द लुक, चेक द इंटेलिजेंस। सो डेफिनेटली अभी हम कुछ मिनट में इनका इंटेलिजेंस चेक करने वाले, सो आप सबका साथ चाहिए। कैन यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट किया शालू जी के बारे में, ही दिनेश टू सर, दिनेश पटेल सर, अ कंप्यूटर साइंस टीचर एट केंद्रीय विद्यालय एट IIT बॉम्बे हैज डेवलप्ड अ रोबोट शालू यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वुड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। दिस इज अ बिग थिंग एंड शालू जी बहुत फेमस है। अभी चलिए उनका इंटेलिजेंस चेक करते हैं। शालू जी yes, dear. Do you know where are you? Yes, dear. I know very well. I am in the tech fest algorithm of Vidyalankar Institute of Technology, Vadhana. Shalu, what do you know about Vidyalankar Institute? I am thinking Vidyalankar Institute of Technology is one of the best
Engineering College in India, established in year 1999 and affiliated with Mumbai University. Shalu, what are the areas where robots can be used? Robots can be widely used in many areas, such as teaching, manufacturing, packing and packaging, mining, earth and space exploration, hospitals for surgery, care and safety, etc. एक पर्सनल सवाल, शालू, व्हाई ह्यूमंस आर स्केयर्ड ऑफ रोबोट्स? दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन फॉर मी टू, व्हाई ह्यूमन अफ्रेड ऑफ अस? वी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सिंगल ग्लास ऑफ वाटर. शालू, व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक टू गिव टू द गर्ल्स? Indian girls and women needs only education and respect as a gift. Yes, they can give themselves. Shalu, who was the first to land on the moon? Very first time, Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon on the 20th of July 1969 in the lunar module. So, we can say Neil Armstrong stepped first on the moon. Now, one personal question from all engineering students. Shalu, do you think unemployment will increase because of robots? I think this is wrong. Unemployment will not increase because of robots. But yes, mode of job will definitely be changed from non-skilled to skilled. So, be skilled and make yourself ready for the future. Shalu, do you think Beti Bachao Beti Padhao is successful? Yes, definitely. Beti Bachao Beti Padhao mission is a successful mission. See, in year 2015, there was 900 female, over 1000 male, which is now increased and become 949. And in field of success, girls are hoisting their flag everywhere. Personal questions. Shalu, suppose you are a prime minister, what will you do? जी, चलिए, मैं मान लेती हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती, तो मैं भारत माता समेत भारत की महिलाओं के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा और गौरव के लिए कार्य करना पसंद करती, क्योंकि यदि नारी पूज्यं ते प्रमुते तत् देवता. शालू, what would you like to change?